एक और घर में प्रिया के बर्थडे की तैयारी चल रही है, जहां पूरे घर को काफी शानदार तरीके से सजाया गया है। वहीं दूसरी ओर गुलकी भी केक के पास खड़ी हुई है और सारे मेहमानों की ओर टक लगाए देख रही है। वेटर चलो। वो प्रिया का बर्थडे है, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश है और एक एक कर उसे नए नए सरप्राइजेस भी मिल रहे हैं। जहां उसके कुछ पुराने दोस्त आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो इतनी खुश होती है कि बाकी सारी चीजें तो भूल ही जाती है और अपने दोस्तों में ही मस्त हो जाती है। यार जल्दी भेज दिया क्या? वहीं दूसरी ओर आदित्य की नजर जब गुलकी पर जाती है तो वो एक कोने में चुपचाप से खड़ी है और सारे मेहमानों को बस देख रही है। ना किसी से बात कर रही है और ना ही कुछ रिएक्ट कर रही है। ऐसे में आदित्य उनके पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। लेकिन इतने में ही एंट्री हो जाती है मधुमती की, जो कि गुलकी की सौतेली माँ है, और उन्हें देखकर गुलकी के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी मधुमती आती हैं तो नए हंगामे जरूर करती हैं। वहीं जब सब पूछते हैं कि इन्हें किसने इनवाइट किया है, तब आदित्य बताते हैं कि मधुमती को उन्होंने खुद बुलाया है। वह मधुमती को देखते ही गुलकी का तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, पर देखना ये होगा कि इस पार्टी में अब मधुमती क्या हंगामा करती है। एंड फॉर मोर सच टेली डाउन अपडेट, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।